बिहार पे आप सभी का स्वागत है। साथ साथ हमारे साथ आरती न्यूज जुड़ चुके हैं, तो दोनों आप सभी को लाइव दिखा रहे हैं आरा भोजपुर बिहार से। और यहाँ पे हमारे साथ मन्नी भट्टाचार्य जी हैं, जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी जानी मानी चेहरा हैं। और इन्होंने आज परफॉर्मेंस किया है हमारे आरा के पावन धरती पे, वही वीर कुंवर सिंह की धरती, जहाँ के वीर वाकुरे थे हमारे वीर कुंवर सिंह। और वही पवन सिंह जो कि भोजपुरी के बहुत ही बड़े एक्टर हैं और भोजपुरी को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, विदेश तक उनका नाम जा चुका है। तो हमारे उसी पावन धरती पे हमारी मन्नी भट्टाचार्य जी आज आई हैं और परफॉर्म की हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले सर मैम आपको न्यूज़ बिहार और आरती न्यूज़ पे आपका सबसे पहले तहदिल से स्वागत। नमस्कार, आरती बिहार और न्यूज़ बिहार के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं आरा आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले महीने भी मैं आई थी वो वांटेड के प्रमोशन के लिए मोहन सिनेमा हॉल में, तो बहुत प्यार मिला सबको और मुझे इतना प्यार मिला वांटेड से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरा गाना तो आप लोग इतना प्यार दिया, पलंगिया पिया सोने ना दिया, बहुत अच्छा, मेरा भी फेवरेट गाना है, बहुत अच्छा लगा। आज तो परफॉर्म करके बहुत, आप लोग बोलेंगे अभी कैसा, मतलब बोल रहे हैं दर्शक लोग। मैम आपके बारे में कोई दर्शक खराब बोल सकते हैं क्या? आप अभी सभी की पसंदीदा हो चुकी हैं और आज आपने देखा भी होगा कि प्यार कितना उभर के आ रहा है। आपको कैसा लगा प्यार? उनका उपद्रव जैसा लग रहा था कि प्यार प्यारा लग रहा था, आपको कैसा लगा? मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मेरा आँख से आंसू निकल के आया था जब इतना दर्शक एक साथ मुझे, मतलब क्लैप कर रहे थे, इतना मतलब स्वागत कर रहे मुझे। और थैंक यू सो मच, लव यू आरा जिला के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से, मनी भट्टाचार्य मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और मेरा वांटेड मूवी को अभी फोर्थ वीक, मतलब 14 सप्ताह हो गया, ये सिल्वर जुबली का याद हम लोग कर रहे हैं कि हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच। बस ऐसे मेरे साथ रहिए, पवन जी के साथ रहिए और मेरे पूरा वांटेड टीम की तरफ से आपको सब दर्शकों को थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आरा आई और आरा का कुछ फेवरेट डिश आप जानती हैं या फेवरेट कुछ ट्राई किया जो आरा का एकदम स्पेशलिस्ट होता है? हाँ, पेरा है ना, पेरा तो बहुत अच्छा है इधर का फेमस। और आरा का खुरमा नहीं, ट्राई नहीं किया अभी, तो थोड़ी 2-3 घंटा पहले आई थी। और वैसे मैं मतलब 2 हफ्ते पहले मैं बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैं सोच रही थी कि कैसे आऊँगी। लेकिन इधर मेरा एक फेवरेट प्लेस हो गया है बखुरापुर काली मंदिर, उधर माता जी का दर्शन किया था, तो माई मुझे ठीक करके बुला लिया फिर से उनके पास, तो शायद आज हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछले बार मैं गई थी, बहुत अच्छा, काली माँ की, बखुरापुर माँ की माई मुझे बुला लिया। अच्छा, आरा ऐनी जा भोजपुर के धरती है। हाँ। भोजपुरी ना बोलम जा, भोजपुरी में इंटरव्यू ना हो तब मजे के कीड़ा हो जाए। तब पहला बात यही बा, हम जानते नहीं भोजपुरी में तनी दिक्कत होला, कहे का मतलब ये बा कि आरा के जो नौजवान बड़न, बिहार के नौजवान बड़न जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आवे के चाहत रहन, चाहे वो लड़का होके चाहे वो लड़की होके, उन लोगों के का उपदेश देवल चाहे, उन लोगों के का निर्देश देवल चाहे, उन लोगों के का आशीर्वाद रहे कि वो आगे बढ़स, कुछ काम करस, कुछ मेहनत करस? पहली बात तो मैं हिंदी में आप लोग से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इतना अच्छी तरह अभी भोजपुरी नहीं सीखी हूँ, लेकिन जितना भी मूवी हुआ है मैं डबिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ डबिंग करने की। और मेरे लिए एक भी शॉर्ट एनजी नहीं होता है, मैं बहुत अच्छी तरह स्क्रिप्ट का डायलॉग याद करके बहुत अच्छी तरह बोल लेती हूँ। लेकिन आपसे जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं एक बंगाली में कोलकाता रसगोल्ला अच्छी हमी ऐसे थे आपके सामने, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ। और बस मुझे और कुछ महीने दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह भोजपुरी सीख के आप लोगों से बात करम। मेरा फेवरेट डायलॉग है, कैसन बानी आप लोग, रवा ठीक बानी। अच्छा, एको रुगा जन अभी पलंग करे। हाँ, दो गाना गाना। हाँ, जरूर जरूर। पलंगिया रे पिया सोने न दिया, ये तो रात भर मच मच किया, पलंगिया रे पिया पिया सोने न दिया, पलंगिया रे पिया सोने न दिया।
जो गाना आपको जब शूट हो रहा था तो आप क्या महसूस कर रहे थे पवन सिंह के साथ में? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ और पवन जी के साथ, आप लोगों के फेवरेट तीनों सुपरस्टार के साथ मैं काम कर लिया, इसलिए मैं आई एम सो लकी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं काम कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तीनों मतलब जन बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, मुझे एक भी मतलब वो लोग नहीं बोला कि मैं नई आर्टिस्ट हूँ। भोजपुरी में मैं नहीं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोलकाता में मतलब बहुत सारा काम किया, मैं 14 सीरियल्स किया एज लीड एक्ट्रेस, बहुत छोटी थी तब से काम कर रही हूँ। मेरा एक बंगाली मूवी नेशनल अवार्ड भी मिला है, 4 बहुत बड़े डायरेक्टर के हैं, लेकिन फिर भी मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ। पवन जी के साथ काम किया, दिनेश जी के साथ, खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान लोग हैं, मैं आगे भी वो लोगों के साथ काम करने वाली हूँ, आप लोग देखेंगे। अभी मेरा मूवी चल रहा है जीना तेरे गली में पार्ट 2 चिंटू पांडे जी के साथ, वो भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं बहुत। और मेरा दिनेश जी के भाई प्रवेश जी के साथ, दिनेश जी के हाउस में निरोवा म्यूजिक मतलब हाउस में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में मेरा मूवी आ रहा है, घूंघट में घोटाला, लगातार मेरा मूवी आने वाला है और शूट भी चल रहा है, क्योंकि मुझे दोनों इंडस्ट्री संभालना पड़ता है, बंगाली मूवी भी चलता है और इधर भी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन दोनों में अच्छा कौन सा लगता है आपको? दोनों, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे लिए सब इंडस्ट्री एक ही जैसे है, और बस मैं आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से बहुत अच्छी तरह भोजपुरी और भी सीख जाऊँ, ताकि आप लोगों से ऐसे बोले बात कर सके। मैडम एक सवाल और था कि आपने अभी बोला कि तीन हीरो के साथ आपने काम किया, जो तीन मेन हीरो हैं अभी, मतलब अभी स्टार है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और हमारे निरहुआ जी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस एक्टर के साथ आया काम करने में? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछे, बताना तो पड़ेगा, नहीं पूछे, बहुत मुश्किल सवाल है ये। एक आर्टिस्ट हूँ और तीनों मेरे लिए भगवान जैसे हैं, तो नो कमेंट, क्योंकि मुझे तीनों ही भगवान जैसे दिखते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, आप हाँ। नहीं बताना चाहते हैं कि किसके साथ, लेकिन ये कम से कम बताएं कि तीनों का अलग अलग फील्ड में कौन से फील्ड में आपको मजा आया, मतलब रोमांटिक या एक्शन या कौन सा हीरो के साथ ज्यादा किस में अच्छा लगता है? जैसे पवन जी, ये तो पवन जी की जिला में बैठी हूँ और बहुत अच्छी, मैं उनकी गायकी का फैन हूँ, बहुत अच्छा, और पवन जी मेरे गाने सुने हैं, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन मैं भी अच्छी गाती हूँ, मैं करिया करिया रसगुल्ला भी गा के सुनाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उनका जो आवाज है, मतलब ककील जो कंठी बोलते हैं ना, बहुत अच्छे आवाज है, बहुत अच्छा उनका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। खेसारी जी तो बहुत अच्छे डांसर, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, और अभी बहुत एक्शन मस्टर भी है, और दिनेश जी सर के जैसे, और एक मतलब क्या बोलूँ, रोमांटिक हीरो जैसे हैं, बहुत अच्छा लगते हैं, भगवान जैसे हैं तीनों मेरे लिए। और मैम अभी आपने बोला है कि एक गाना सुनाएंगे हम लोग, तो हमारा दर्शक को सुनाने, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, एगो करिए सिलवादा सलवार राजा जी, एगो करिए सिलवादा। ये मेरा पहला मूवी जिला चंपारण का गाना है, और करिया करिया रसगुल्ला रसगुल्ला जो है, ये मेरे तरफ से आरा जिला में सभी दर्शक, और ये दोनों न्यूज चैनल बिहार और आरती न्यूज को के सभी दर्शकों के मेरे तरफ से रसगुल्ला वाला प्यार दिया, कोलकाता की तरफ से, बंगाल की तरफ से। और ये जो परफॉर्मेंस किया मैंने, वो तो आप लोगों को मैं जानती हूँ सोने नहीं देंगे, सो प्लीज वीडियो सॉन्ग भी बहुत खूब, मतलब बहुत जल्द रिलीज होगा, तो ये जो हिस्ट्री रिकॉर्ड बन गया है MP3 के वर्ल्ड में, मतलब भोजपुरी हिस्ट्री रिकॉर्ड बन गया है हिस्ट्री में, वीडियो सॉन्ग को भी इतना प्यार दीजिएगा कि ये भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमारा चैनल के दर्शक के विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहा मतलब आप भोजपुरी में बोलिए कि आप रवा लोग के, हम रवा लोग के मेरे तरफ से ढेर सारे प्यार और शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार बा और शुभकामनाएं, बस आप लोग ऐसे ही ये दो न्यूज चैनल को भी इतना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, और बस आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं है तो हम लोग नहीं है, सो जनता जनार्दन और भगवान हम लोग के लिए, बस हम लोगों के लिए आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के साथ जरूरत है, प्यार देते रहिए चैनल को। एक बार बोल दीजिए कि आरती न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो देखें तो लाइक करें। मैं मनी भट्टाचार्य और मेरे तरफ से आरती न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को
मैं मनी भट्टाचार्या और मेरी तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आरती दर्शक आरती चैनल और एक बार हाँ मैं मनी भट्टाचार्या मैं मेरे तरफ से बोलना चाहती हूँ कि आरती न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक देखने वाले दर्शकों प्लीज़ नीचे ये सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि हम लोग से आप लोग जुड़ पाए। न्यूज़ बिहार के लिए भी मैं मनी भट्टाचार्या और मैं मेरे तरफ से न्यूज़ बिहार के सभी दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि नीचे जाने वाला ये जो बेल ऑप्शन है प्लीज़ वो प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग मेरे साथ और पूरे भोजपुरी वाले के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए।